कि जिस तरह पाकिस्तान से पाकिस्तान पर जिस तरह से देश के इंदिरा गांधी ने कार्रवाई किया, जिस तरह पोखरण से लेकर तमाम चीजों का परीक्षण किया गया, ये देश को छोड़ने का काम करा जो यहाँ पर रियासत थी, कि सच में एकजुट नहीं होता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी ने जो जोड़ने का काम किया, ये माननीय प्रदीप यादव बताया, इस बात को समझने की जरूरत है। और ये सब ज्ञान भारतीय जनता पार्टी वाला लोग देंगे नहीं। वो क्या देंगे? वो देंगे कौन तुम्हारा? तरह तरह का सोशल मीडिया में खोलो, कल हम आ रहे थे गाड़ी में तो पूजा पाठ का मंत्र उल्टा बता रहा। राजा जी हमको कहने लगा कि सब आप देखिएगा तो पकड़ा जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सिपाटने का काम और नफरत फैलाने का काम करते हैं। कौन क्या खाएगा, कौन क्या करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का तय करेगा। लोग बताते हैं देश को बदनाम करने के लिए, इस प्रदेश को जिस तरह राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है, पूरे देश के जो संवैधानिक संस्थान है, जांच एजेंसी है, उनका दुरुपयोग कर रही है, ये पूरा देश के लोग समझ रहे हैं। आप उसको चाहे आप महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर के गोवा तक की बात करें, पूरे जो देश के जो संवैधानिक संस्थान है उनका गरिमा समाप्त किया जा रहा है, उनका उनके साथ जिस तरह से उनका अधिकार का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से उस पर दुरुपयोग किया जा रहा है, इस बात को जानने की जरूरत है। और तो और हमारे देश हमारे राज्य में जो खनिज संपदा का रॉयल्टी मिलना चाहिए, लाखों लाख करोड़ 1,36,000 करोड़ तकरीबन पैसा बाकी है कोयला का रॉयल्टी, और जब जब झारखंड प्रदेश उसको मांगने का काम करता है तो यहाँ तरह तरह का एजेंसी का उपयोग करके सरकार को डराने का काम किया जाता है। और ये सारे रवैया पूरा देश में चल रहा है इसी तमाम चीजों को लेकर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।